फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। पूरी रात बारिश हुई है, कल से एक सेकंड के लिए भी बारिश रुकी नहीं है। और आज है रांधन छठ। आज पूरा दिन हम बनाने वाले हैं गर्म खाना और कल खाएंगे पूरा दिन ठंडा खाना, क्योंकि इस व्रत में क्या होता है ना कि आज के दिन जितना चूल्हा लगाना हो लग जाता है, कल के दिन नहीं लगेगा चूल्हा, कल के दिन सिर्फ हम ठंडा खाना खाएंगे। और आज मैं हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा लेट, क्योंकि बस शुगर की मीटिंग चल रही है मेरी, जिसमें मैं 1.5 घंटा हो गया अभी तक बिज़ी हूँ। 8:30 बजे की लगी हुई हूँ शुगर की मीटिंग में और अभी 10 बज गई है, काफ़ी टाइम हो गया है, अभी तक मीटिंग पूरी नहीं हुई है। कंप्लीट करती हूँ मीटिंग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखने मिल रही हैं, वो सीख के फिर फ्री होके बाकी के काम पकड़ती हूँ। मीटिंग कंप्लीट हुई और इधर साइड मम्मी और पापा दोनों जने शिबादी को मिलने के लिए गए, क्योंकि शिबादी आज निकल रहे हैं कुवैत के लिए, सो इसीलिए हमको भी जाना था, पर कुछ ऐसी प्लानिंग सेट ही नहीं हुई कि जा पाए। और घर पे काम भी बहुत था, और आज जैसे कि मैंने बताया कि आज रांधन छठ है तो आज खाना भी बनाना है, तो भाई जी भी आए नहीं एक तरफ तो, और एक तरफ आटा भी खत्म हो गया है, तो अभी गेहूँ पीस रही हूँ और खाने की भी साथ साथ तैयारी कर रही हूँ। दाल बॉयल होने रख दी है, ये दूध आ गया, दूध भी गर्म हो रहा है, चावल भी भिगा देती हूँ एक तरफ ताकि मेरा ये किचन का काम है वो थोड़ा थोड़ा हो जाए, और साथ ही साथ अभी कपड़े भी धो रही हूँ, चावल भिगा के फिर एक तरफ झाड़ू लगा देती हूँ। चावल भिगा दिए हैं और यहाँ पर कपड़े भी धुल रहे हैं, ऑलमोस्ट धुल चुके हैं। एक तरफ कैमरा रख देती हूँ, क्योंकि इतना भार दोनों चीज़ें एक साथ में नहीं उठा पाऊँगी। आज मैं बहुत ज़्यादा लेट होने वाली हूँ, क्योंकि 11 बज गई है और मेरे कपड़े धुल रहे, एक तरफ झाड़ू लगाना बाकी है, पूजा भी करनी बाकी है, खाना भी बनाना बाकी है। फटाफट से काम करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी मैं। अभी जस्ट नहा के निकली हूँ, मैंने सोचा क्यों ना एक बार नहा लूँ, क्योंकि नहाने में अगर लेट हो गई तो फिर और मेरे कामों में भी मैं लेट हो जाऊँगी। फर्स्टली मैंने नहा लिया है अभी, और आज मैंने मेरा नया सूट पहना जो कि मैंने मीशो से मंगाया था, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में, और मुझे कुछ मंगाने की इच्छा हो गई थी इसलिए। स्किन केयर फटाक से कर लेती हूँ, फर्स्टली टोनर को अच्छे से सूखने देती हूँ एक बार, क्योंकि मैं भी थोड़ी जल्दी में हूँ। सेकेंडली डार्क स्पॉट रिमूवर, मेरे फेस पर काफ़ी डार्क दाग पड़ गए थे जो कि इस डार्क स्पॉट रिमूवर से इतने ज़्यादा क्योर हो गए, टच वुड, क्योंकि वाकई आपको खुद को दिख रहा होगा कितना अच्छे से फेस पर ग्लो आ रहा है और इतना अच्छे से ये काम कर रहा है मेरे फेस पर। इधर तो इतने ज़्यादा दाग थे, हल्के पड़ गए अभी। फिर आ जाती है मेरी डे क्रीम, ये नाइट क्रीम अभी मेरे डे क्रीम, बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत ही अच्छा। कोई अभी अच्छा स्किन केयर ढूंढ रहा है और मेरी वीडियो देख रहा है तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है ये प्रोडक्ट, क्योंकि हर ऑल टाइप ऑफ स्किन्स के लिए है। रेडी हो गई हूँ, बाल बनाने बाकी है, मैंने बहुत ही अच्छा एक लिप शेड लगाया है और वो मेरा अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा फेवरेट हो गया है, शुगर का नथिंग एल्स मैटर लिपस्टिक और 04 इसका शेड है। अगर किसी को इस टाइप के लिपस्टिक की ज़रूरत है तो आप देख लो कितना अच्छा शेड है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है और एकदम फेस के ऊपर इतना यानी ओवर नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा यूँ एकदम नेचुरल लगेगा। बस हो गई बातें, अब दूसरा भी काम कर लेते, तैयार हो गए, बाल बनाने बाकी है पर बाद में बनाऊंगी निकलते सब। कपड़े भी ऑलमोस्ट धुल गए हैं, अब झाड़ू लगा देती हूँ घर में। अभी जस्ट सारे कपड़े धुले हैं और मेरी पूजा भी कम्प्लीट हो गई है, अब खाना बना देती हूँ, टाइम काफ़ी हो गया है, 1 बजने वाली। आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, और हालाँकि मुझे पता ही था मैं लेट होऊंगी, क्योंकि टाइम मैं लेट ही किचन में घुसी थी। और कान्हा जी के दूध भी रखना बाकी है, कान्हा जी के दूध रख देती हूँ। सुबह चिकू ने कुछ नाश्ता भी नहीं किया है, बेचारे भूखे हो गए होंगे। और अभी थोड़ी सी धूप आई है, इसके लिए इधर ला के रख दिया, थोड़े कपड़े सूख जाएं, यही नहीं सूखे हैं जो धोए वो कहाँ सूखूंगी फिर मैं। और थोड़ा सा ये किवाड़ खुला रहता है तो सारी मक्खियाँ घर में घुसती रहती है। खाना बन चुका है, खाने में आज बना है मसूर की दाल, रोटी, चावल। 2 दिन के कपड़े बाहर सूख रहे हैं और 2 दिन के कपड़े मैंने वॉश किए हैं, कहाँ सुखाऊँ यार, जगह ही तो नहीं है बाहर। कौन बोल रहा है बाहर, कौन बोल रहे हैं बाहर? हिमायरा किसको बुला रहे हो आप? आओ इधर आओ, आप इधर आओ, चलो खेलो करते। क्या कर क्या रहे हो आप बाहर? बारिश का मजा ले रही? हाँ टप्पा नहीं पहने, मैंने तेरी आवाज़ सुन के मैं आई हूँ। मेरे और चिकू के लिए खाना लगा देती हूँ, चिकू भी बस आने में ही है शॉप से, फ़ोन कर दिया है मैंने।
चिकू के तो शॉप पे कस्टमर है इसलिए चिकू तो आया ही नहीं है। मैं और हिमायरा मेरे पास आ गई है तो हम खा लेते हैं। चलो जल्दी ना, कैसा है खाना? कैसा है खाना? चुकू चुकू खाना कैसा है? यम्मे यम्मे बाई बाई ठीक है। फोबे 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 क्या है? फोबे उधर फोबे फोबे ओ चुकू आगी कहाँ आई? नहीं आई है चुकू। शॉपे 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 काम चोने चोने ये चुकू काम चोने चोने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। लैपटॉप खाना हो चुका है और कस्टमर भी शॉप पे आके वेट कर रहे हैं, बट मैं क्या कर सकती हूँ क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ आ गई थी। अब थोड़ी सी रुकी है तो अब निकल जाती हूँ। शॉप पे आ गई हूँ मैं। ओ बाप रे क्या बारिश है, वो बहुत बारिश है। श्यामला जी में कहीं वो नहीं मिले वा? श्यामला जी में ट्रैफिक जाम है। अभी रोशनी पर ट्रायल मेकअप हुआ है, आते में बलि का बकरा बन गई है। रोशनी को चढ़ी चुड़े आके बंद कर। अब सुख फोड़ देता है तो मुंह कर दो बड़ा बट आधे की फोटोग्राफर मेरा अभी कर दो मेरे ऊपर चुड़े लगी है। ये रोशनी रूठ थी क्यों ये क्या? नहीं हमने सीखा नहीं लिया थे ना सेमिनार में, तो वैसे ही किया था। क्या किया था? अलग अलग बात किए थे। यहाँ पर रोशनी है, फोटो खींच रही है, इसके मेकअप तो क्या हुआ है? सेल्फी। कुछ ज़्यादा ही भावनाओं में बह गई है भावना के साथ। आज का सेशन कंप्लीट हो गया है शॉप का तो, और आज भी पूरा दिन बारिश है और अब जाती हूँ मैं घर पे क्योंकि घर पे आज बनाना है खाना, रांधन छठ है तो मम्मी का भी फ़ोन आ गया है कब आ जाओ घर पे। तो टाइम 4:40 हो गई है, घर पहुँचते हैं। रोशनी मेरे को जाते समय रख देगी। जैसे जैसे बारिश गिरी वैसे हरियाली बढ़ी रही है। आके रांधन छठ की तैयारी हो रही है। कल केकोड़े थोड़े छीले थे, आज और थोड़े से मंगवा दिए, पर तभी लगता है कि रांधन छठ है। और एक वो पत्तल वेले वाली, पर वो तो नहीं बना रहे क्योंकि पत्ते वाली सब्जी क्या गले में बहुत अटकती है और ठंडी होने के बाद इतनी भाती नहीं है, और वो रोटी के साथ खा नहीं पाएंगे ना। खाना एक तरफ बन रहा है और ये वाला गैस है वो सिलेंडर बाहर गया है, पापा को कुछ काम है इसलिए। और यहाँ पर रबड़ी रख दी गई है, सब्जी एक पक गई है, दो तरीके के आटे बन चुके हैं, एक है पूड़ी का आटा और ये मसाले वाले पराठे का आटा, और केकड़े भी कंप्लीट कट गए हैं। और भी कुछ काम है पर अभी गैस क्या बिजी, अभी नीचे आ जाएगी रबड़ी फिर होगा, तो थोड़ा काम मेरे को शॉप पे है तो जाके करके आ जाती हूँ। कस्टमर आए हुए हैं सो चिकू को बुला दिया है मैंने, चिकू मुझे लेने आ रहे हैं। अभी काम हो चुका है सैलून पे, अब जा रही हूँ मैं घर पे, थोड़ा सा ही काम था फटाफट निपट लिया। जो आज सुबह कपड़े धोए हैं उसको सुखाने के लिए जगह तो कहीं नहीं है, पर ऊपर जो कपड़े सूख रहे हैं उसको ले लेती हूँ। दो दिन से सूख रहे तो सूख गए होंगे, तो ऊपर वाले नीचे वाले ऊपर शिफ्ट करूँगी, ये वाले बाहर, और बाहर जो ऊपर वाले थे उनको समेट के रखना पड़ेगा। कपड़े जो थोड़े से गीले हैं वो ऊपर सुखा देती हूँ, और मम्मी ने सारी सब्जियाँ बना दी हैं, भिंडी की, केकोड़े की, तोरे की, अब पराठे बनाते हैं। रबड़ी आधी अधूरी बन गई है, तू बनाने लग चल खाना, बस बैठे बैठे ऑर्डर करता रहता है। पराठे बन गए हैं और पूड़ियाँ बनानी बाकी है, तो एक बार खाना खा के फिर बनाते हैं। ये पराठे कंप्लीट बन चुके हैं और ये भिंडी की सब्जी अभी खाने के लिए बनाई है, तो एक बार खाना खा लेते हैं फिर बनाती हूँ पूड़ियाँ, क्योंकि भूख लग गई है ना मम्मी को मेरे को और सब जनों को। पापा कुछ काम से बाहर गए, चिकू ने तो खा लिया।
खाना हो गया है, अभी हम पूड़ियाँ बनाने के लिए बैठे हैं। मैं थोड़ी लेट हो गई, मम्मी बेलने के लिए बैठ गई। कंप्लीट हो चुकी है, नीचे सब अवेयर दिया है, पुड़िया ये रही और स्टैंड भी क्लीन हो गया है। बस ये रबड़ी ठंडी हो और फिर उसको तपेली में ट्रांसफ़र करें। और आज पूरे बर्तन वगैरह सब कंप्लीट करके सोएंगे, क्योंकि कुछ भी रहने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा मानना ये रहता है कि माता जी रात को आगे चेक करते हैं कि चूल्हा वगैरह सब ठंडा है कि नहीं, क्योंकि हमको यानी मम्मी कटले बजे तक खावा बना भी कंप्लीट रखो पड़े। 12 बजे से पहले पूरा सब कंप्लीट करके देखना पड़ता है, और जिसका चूल्हा गर्म होता है उसको श्राप देते हैं, ऐसा हम में माना जाता है। सो इसलिए पूरा कंप्लीट क्लीन कर दिया, चूल्हे को ठंडा कर दिया, खाना भी कंप्लीट हो गया, और अभी 9:30 हो रही है, तो फटाफट से ये बर्तन कर देते और फिर फ्री। किचन पूरा कंप्लीट क्लीन हो गया है, सारा खाना ठंडा करके यहाँ स्टैंड पर ही रख दिया है, और पूरा किचन साफ। पराठे, उसमें तो कुछ नहीं है, रबड़ी और सब्जियां तो ठंडी हो गई थी तो फ्रिज में रख दी है। रबड़ी थोड़ी सी गर्म है इसलिए बाहर ही रहने दिए ताकि ठंडी हो जाए। और यहीं पर मैं कर देती हूँ व्लॉग का एंड, और कल हम सुबह जाएंगे पूजा करने के लिए, तो कल का व्लॉग भी ज़रूर देखना, काफ़ी मज़ा आएगा उसमें भी, क्योंकि आज के दिन तो हमने पूरा ठंडा खाना बनाया है, कल इसकी पूजा है, तो वो व्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करना। तो यहीं पर कर देती हूँ व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। कल का व्लॉग बिल्कुल देखना मत भूलना।